तो टेंशन वगैरह छोड़ दो, ऐसे 210 आपका बढ़िया तरीके से कवर करवा दूंगा सर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंटमेंट कर देना, कमेंट में दैट एसे विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन सीए फाइनल ऑडिट इन मई 2024। एमसीक्यू में आने के इसके चांसेस हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए मेरे को नहीं लग रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इसका वेटेज जो है ना सर वो कितना रहने वाला है, तो वेटेज इसका 0 to 2 मार्क्स रहेगा मेरे हिसाब से। डी कैटेगरी का इससे वन टाइम रीड कर लेना, ये वीडियो के साथ साथ आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है सर, लाइक कर दो वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। इससे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या बोलता है ना, कि ऑडिटर को और मैनेजमेंट को एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ऑडिटर यानी कि जो ऑडिट करने गया है और मैनेजमेंट यानी कि क्लाइंट को। ठीक है, मैंने बोला हाँ। क्वेश्चन नंबर 1, देखो सर ये क्वेश्चन जो है ना हो सकता है आपको डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, लेकिन चांसेस कम है सीए फाइनल लेवल पे आने के, तो भी अपन लोग क्या करेंगे देख लेंगे। फैक्टर्स वेयर इट इज एप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि कब कब मेरे को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का रिवीजन करना पड़ता है, उसको वापस से फ्रेम करना पड़ता है या रिमाइंड करना पड़ता है एंटिटी को, यानी कि उनको याद दिलाना पड़ता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिकरिंग ऑडिट। तो ठीक है, रिकरिंग ऑडिट के केस में मेरे को कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, मेमोरी टेक्निक क्या है, लता से शादी करने के बाद सोनू में रिविजन आ गया। ठीक है, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है लता के एल को, सोनू के एस ओ एन को और रिविजन को। ठीक है सर, ऐसे याद नहीं करना ना, तो एक और टेक्निक है। देखो सर, 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए मैंने 5 पॉइंट इधर लिख रखे हैं और अदर पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, एमसीक्यू पर्पस के अदर पॉइंट्स आपके काम में आ सकते हैं। देखो सर, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया आपको, लता से शादी करने के बाद सोनू में क्या आ गया, रिवीजन आ गया। तो देखो मैंने इधर अंडरलाइन भी कर रखा है, लता का एल को लीगल में अंडरलाइन कर रखा है, सीनियर मैनेजमेंट का ऐसे यानी सोनू। ठीक है, वो वाली टेक्निक नहीं है ना, अगर समझ में आ रही है तो देखो क्या करो, सारे के सारे चेंज, यानी कि पहला क्या है कानून में चेंज, क्या लिखा हुआ है चेंज इन लीगल रिक्वायरमेंट, दूसरा सीईओ चेंज, यानी लिखा है रीसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। देखो रीसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट में कौन बैठता है, तो मैंने बोला सीईओ। ठीक है सर, सीईओ में चेंज। तीसरा कौन है, मालिक चेंज, मालिक चेंज का मतलब क्या है सर, ओनरशिप में चेंज। चौथा धंधा चेंज, धंधा चेंज का मतलब क्या है सर, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस मेरा चेंज हो गया। उसके बाद टर्म्स चेंज, टर्म्स चेंज यानी कि रिवाइज या स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो टर्म्स और कंडीशंस थी ना किन दोनों के बीच में, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में, वो क्या हो गई चेंज हो गई सर। उसके ऊपर देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट आपको लिख के आ जाने के, और एमसीक्यू पर्पस से देखो 2 और पॉइंट इसमें, एंटिटी को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो ना, तो उस केस में भी क्या करेंगे हम लोग, रिकरिंग ऑडिट का टर्म्स एंड कंडीशंस को वापस से देख लेंगे। और क्या है ना, एएस में चेंज, एएस में चेंज को क्या बोला गया, चेंज इन एफआरएफ, मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि एफआरएफ। ठीक है, एएस को ऑडिट की भाषा में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये किसका आंसर है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड रिकरिंग ऑडिट के लिए, यानी कि जब रिवाइज करनी पड़ती है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या जब रिमाइंड कराना पड़ता है एंटिटी को, तो कौन से फैक्टर्स को मेरे को ध्यान में रखना है, उसका आंसर है बढ़िया वाला। उसके बाद सर क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर है ना जो बनाएगा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, यानी कि सर देखो ये है हमारा ऑडिटर, ये है हमारा मैनेजमेंट, बीच में है ना ये लोग जो टर्म्स कंडीशन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं लेटर, कौन सा लेटर सर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट क्या होगा ना, उसके बारे में बात करूंगा। देखो सर एक बात समझो, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू क्लाइंट, कौन किसको देता है, ए सी को देता है, यानी कि ऑडिटर क्लाइंट को देता है, सी ए को नहीं देता है, क्लाइंट ऑडिटर को नहीं देता है, ऑडिटर क्लाइंट को देता है। देखो सर क्या क्या कंटेंट आते हैं ना इसमें, ORRFF, यानी कि पहला होता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव यानी कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है वो ऑब्जेक्टिव, और स्कोप यानी कि ऑडिट का दायरा, वो आता है सबसे पहला मेरे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, मेरी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, तेरी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की। फिर आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको तमीज की भाषा में क्या बोलते हैं, तमीज वाली भाषा में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। और रेफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सर फॉर्म यानी कि फॉर्मेट, ठीक है, एंड कंटेंट यानी कि अंदर का माल पानी, अंदर क्या क्या माल पानी है ना उसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। और कभी कभी ये फॉर्म और कंटेंट से डिविएट होना पड़ता है ना, वो भी आता है इसमें, ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी सर। क्या आता है, ORRFF, ORRFF यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, और ऑडिट का दायरा यानी कि स्कोप। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यानी ऑडिटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, AFRF और रेफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो आउट ऑफ ORRFF जो ऊपर पढ़ा ना अभी अपन ने, ORRFF यानी कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या है, उसमें से मान लो ORRF है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, तो बताओ डिस्क्रिपेंसी क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा एफ मिसिंग है। देखो क्या आना चाहिए ना, ORRFF आना चाहिए, तो उसमें से ORR1F है तो दूसरा एफ मिसिंग है, तो क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा ना, ये 5 में से कोई भी एक को मिस करके दे देगा और बोलेगा बताओ क्या डिस्क्रिपेंसी, तो आप क्या बोल दोगे, जो भी मिसिंग है ना वो डिस्क्रिपेंसी है। मान लो वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि RRFF है, तो आप क्या बोल दोगे, ओ मिसिंग है। वो क्वेश्चन मान देगा ORFF है, तो आप क्या बोल दोगे, एक आर मिसिंग है। समझ रहे हो, ये 5 में से वो आपको बोल देगा ऐसा क्वेश्चन में कि बताओ डिस्क्रिपेंसी क्या है, तो जो 5 में से मिसिंग होगा ना वो आप डिस्क्रिपेंसी में बता देना, ठीक है सर। ऐसी केस स्टडी बन के आई है पास्ट एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं आपको। अगला क्या है ना, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए प्री कंडीशन, ये प्री कंडीशन नहीं होंगे ना तो मैं ऑडिट करने जाऊंगा ही नहीं। तो मैंने क्या बोला ना, मैं शादी तभी करूंगा जब मेरे को लड़की के लंबे बाल होंगे ना, तभी मैं शादी करूंगा, मैं बॉयकट वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो मैंने क्या रख दी, एक प्री कंडीशन रख दी, ये लड़की के लंबे बाल होंगे तभी मैं शादी करूंगा, अगर लंबे बाल नहीं होंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो वैसे ही ऑडिट के लिए क्या है ना, प्री कंडीशन।
एग्जाम्पल थोड़ा फनी है पर ऐसे याद होगा सर, ऑडिट मजा ऐसे ही आएगा। डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, पहले मेरे को क्या देखना है कि जो मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, होगा तो ही ऑडिट करूंगा नहीं तो मैं नहीं करूंगा ऑडिट। दूसरा, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है मानता है, तो किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो सर, सबसे पहला मैनेजमेंट एक्नोलॉजी एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बारे में, फॉर प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि प्रिपेरेशन करने का, प्रेजेंटेशन करने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। इंक्लूडिंग डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। तो पहला क्या है ना सर, मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को जानता है मानता है, किस बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, इंटरनल कंट्रोल बनाने की, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, इंटरनल कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है पता है, आसान भाषा में मान लो चोरी ना हो जाए इसलिए कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, इसको मैं बोलता हूं इंटरनल कंट्रोल। जब डीप में वो टॉपिक करूंगा तो समझूंगा, लेकिन अभी सिंपल सी बात समझ लो, मान लो मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया ना तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरनल कंट्रोल। तो ये सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, ऑडिटर तो आके खाली उधर चेक करता है, ठीक है। दूसरा, दूसरी क्या जिम्मेदारी है उनकी, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी। ऑल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ना ऑडिट करने के लिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को देने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किसका, तो देख लो सर एम्प्लॉइज का, मैं ऑडिटर हूं ना, मैं एम्प्लॉय से जाके कोई भी पूछताछ कर सकता हूं, उसका मेरे को एक्सेस मिलना चाहिए, वो भी कौन मेरे को देगा, तो मैंने बोला वो भी मेरे को कौन देगा, मैनेजमेंट देगा। मैंने बोला ठीक है सर, ठीक है समझ में आ गया, सारी जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है, तो प्री कंडीशन में क्या देखा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए एक्सेप्टेबल, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, किस बारे में, देखो देखो सर मेरे को देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, इंटरनल कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, ऑल इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। ऑडिटर तो आहा मस्त है, उसको तो कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं। मैंने बोला ठीक है सर, ठीक है, गर्मी बहुत है यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं सर, लगे हुए अपन। अगला, मैनेजमेंट हैज मेंशन इन ऑडिट टर्म्स कि भैया मैनेजमेंट क्या बोल रहा है ना, मैं इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट आपको नहीं देने वाला हूं, ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट ने आपके काम पे रोक लगा दी है, इन शॉर्ट मैनेजमेंट आपको काम करने से रोक रहा है। अब बताओ ऑडिटर ऐसे ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मैनेजमेंट आपको काम ही नहीं करने दे रहा। मैनेजमेंट ने बोला मैं आपको इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट नहीं दूंगा, मैं आपको काम भी नहीं करने दूंगा, लिमिटेशन लगाऊंगा आपके स्कोप पे, मैं ऐसा आप काम करने होगा ना तो मैं आपको ऐसा रोक लूंगा। बताओ, देख लो सर बात ऐसी है, अगर तो मैनेजमेंट इंपोज कर रहा है ना लिमिटेशन ऑन स्कोप, ठीक है, और इसके कारण डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ रहा है ना। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, वो आप ऐसे 705 में समझोगे, जब क्या होता है नो साइन यानी कि जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, मेरे को मैनेजमेंट रोक रहा है काम करने को, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑडिटर है ना एक्सेप्ट नहीं करेगा एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ की बात को कोई टाल नहीं सकता, तो अगर लॉ ने बोला तो करूंगा, बाकी जनरली मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं ऐसे एंगेजमेंट। क्यों सर, क्योंकि मेरे को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ रहा है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अभी ऐसे समझ लो कि जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मेरे को नहीं मिलता ना, तो मेरे को क्या देना पड़ता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यानी कि आप समझ लो, जब बिल नहीं मिलता, मैनेजमेंट मेरे को कोई बिल नहीं दे रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट मेरे से कुछ छुपा रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा ना, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ बोलेगा तो करना पड़ेगा। सिमिलरली प्री कंडीशंस नहीं होंगे ना तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यानी कि लड़की के लंबे बाल नहीं होंगे ना तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो क्या बोला था, लड़की के लंबे बाल होंगे तभी शादी करूंगा, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं अपॉइंटमेंट, क्योंकि आपने काम पे रोक लगाई है, क्योंकि आपने काम पे लिमिटेशन लगाई। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमिटमेंट कर जाना कमेंट में, डेफिनेटली स्कोर 70+ एंड सीए फाइनल ऑडिट इन May 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।